वाराणसी में गंगा के पानी के रंग बदलने से हड़कंप मचा हुआ है। गंगा का पानी का रंग आखिर क्यों बदला, ये सभी के मन में सवाल है। देखिए इस पर एक खास रिपोर्ट। लॉकडाउन के बावजूद भारत की सबसे शुद्ध और पवित्र नदी गंगा पर इसका विपरीत असर दिख रहा है। गंगा ने वाराणसी में अपना रंग बदल लिया है। वाराणसी में गंगा की ये तस्वीरें चिंता का सबब बन चुकी हैं। मां गंगा की ऐसी तस्वीर किसी ने कभी नहीं देखी। गंगा के किनारों पर पानी का रंग हरा नजर आ रहा है। वाराणसी में गंगा का पानी अचानक हरा होने से सभी के चेहरे पर सवालिया निशान लग गया है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि वाराणसी में गंगा का पानी हरा हो गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि इस वक्त हम वाराणसी के राजघाट पर खड़े हैं और यहाँ से 84 घाट दिखाई देते हैं और यहाँ पर गंगा का पानी हरा दिखाई दे रहा है। दरअसल इसके पीछे नदी वैज्ञानिक मानते हैं कि मिर्जापुर की तरफ से जो नाले थे वहाँ से काई बहकर आई और गंगा का पानी हरा दिखने लगा, खास तौर पर उन इलाकों में जहाँ पर गंगा का पानी में ठहराव है या फिर किनारा है, यानी कि घाट के पास के जो इलाके हैं। पिछले 2-3 दिन से गंगा में इस तरह का बदलाव दिखाई दिया है। पानी का रंग हरा क्यों हो रहा है, इस पर विशेषज्ञों की अपनी राय है। जो विजुअल्स हमने गंगा का देखा है, इससे हमें क्लियर कट ये लग रहा है कि ये माइक्रोसिस्टिस एक एल्गी होती है, ये उसी का फ्लॉक है। तो अभी ये जैसे गंगा के किनारे तमाम नाले हैं या छोटी नदियाँ हैं जहाँ पानी रुका हुआ है, वहाँ इसकी लग्जूरियंट ग्रोथ होती है और जब बारिश हुई है तो बारिश के पानी के साथ वो गंगा के अंदर आया है।